हेलो गाइस, माय नेम इज आनंद, चेंबर ऑफ सीक्रेट्स में आप सबका स्वागत है। वैम्पायर्स या फिर ड्रैकुला, इनसे रिलेटेड मूवीज देखना किसे पसंद नहीं है, इसीलिए आज मैं ऐसी 5 मूवीज लेके आया हूँ जो वैम्पायर्स और ड्रैकुला इनसे रिलेट करती है। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, इसलिए सिंपल मान लीजिए और राइट का मजा लीजिए। नंबर 5, फ्राइट नाइट। 2011 में आई ये एक हॉरर कॉमेडी वैम्पायर मूवी है। इसी सेम नाम की 1985 में भी एक मूवी आई थी और वो उस टाइम के हिसाब से बहुत अच्छी मूवी थी। 2011 की फ्राइट नाइट इस मूवी में कोलिन फेरेल, एंटोनी एलचिन, क्रिस्टोफर मिंस प्लाजे, इमोजन पुट्स और इनके साथ साथ और भी अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं। इस मूवी की स्टोरी ये है कि चार्ली के नेबरहुड में बहुत सी डेथ्स हो रही है या फिर मर्डर्स कह लो, और उन मर्डर्स का सस्पेक्ट वो अपने नेबर जेरी को समझता है। उसे लगता है कि वो एक वैम्पायर है, जिसकी वजह से ऑफकोर्स उस पर कोई बिलीव नहीं करता। बस एक पर्सन होता है पीटर, वही सिर्फ चार्ली की हेल्प करता है क्योंकि वो एक वैम्पायर हंटर होता है, और ये दोनों खुद ही जेरी को मारने की कोशिश करते हैं। इस मूवी में अच्छी कॉमेडी है और इस मूवी का प्लॉट भी अच्छा है जो हमें बिल्कुल भी बोर नहीं करता, जिसे IMDb पे 6.4 की रेटिंग है। नंबर 4, लेट मी इन। 2010 में आई ये एक हॉरर रोमांस वैम्पायर मूवी है, जिसके लीड में क्लोई ग्रेस मोर्टेज, कोडी स्मिथ मैकफी, डिलन मिन्नेटे और भी इनके साथ अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, जिसे मैट रीव्स ने लिखा और डायरेक्ट किया है, जिन्होंने रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन मूवी को भी डायरेक्ट किया है। लेट मी इन इस मूवी की स्टोरी ऐसी है, ओवेन एक 12 ईयर का ऐसा लड़का है जिसे स्कूल में सब बुली करते हैं और उसकी खुद की फैमिली उसे निग्लेक्ट करती है, जो कम्प्लीटली लोनली होता है, जो हमेशा अपने दिन उसे सताने वाले लोगों से रिवेंज लेने में और अपनी रातें दूसरे अपार्टमेंट्स में झांकने में स्पेंड कर देता है। लेकिन वो एक ऐसी मिस्टीरियस लड़की के साथ फ्रेंडशिप करता है, यानी एबी, जो सिर्फ रात में ही बाहर निकलती है। दोनों के बीच में अच्छी फ्रेंडशिप होती है और एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है, लेकिन कुछ सीरियल मर्डर्स के बीच एबी के केयरटेकर्स डिसअपीयर हो जाते हैं और ओवेन को लगता है कि एबी उससे कुछ बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा रही है। ये बहुत अच्छी मूवी है जो आप लोगों को एक बार जरूर देखनी चाहिए, आप लोगों को पसंद आएगी, जिसे IMDb पे 7.1 की रेटिंग है। नंबर 3, होटल ट्रांसिल्वेनिया। 2012 में आई ये एक फैमिली कॉमेडी ड्रैकुला और मॉन्स्टर्स से रिलेटेड एनिमेटेड मूवी है। इसके अब तक 4 पार्ट आ चुके हैं और इसका जो 4th पार्ट है वो 14 जनवरी 2022 को यानी अभी ही आया है। होटल ट्रांसिल्वेनिया इस मूवी में दिखाया है कि एक काउंट ड्रैकुला एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट चलाता है जो सिर्फ मॉन्स्टर्स के लिए बना है। उस ड्रैकुला की एक बेटी होती है जिसका नाम मेविस है और वो अपनी बेटी के लिए ओवर प्रोटेक्टिव होता है। लेकिन एक दिन एक ह्यूमन यानी जॉनी उस होटल में आता है और इतने सारे मॉन्स्टर्स को देख के उसे लगता है कि यहाँ पे मॉन्स्टर्स की कॉस्ट्यूम पार्टी चल रही है, जहाँ उसकी मुलाकात मेविस से होती है और वो उसे पसंद करने लगता है और मेविस को भी वो पसंद आता है। लेकिन काउंट ड्रैकुला एज अ ओवर प्रोटेक्टिव फादर वो मेविस को जॉनी के प्यार में गिरने से प्रिवेंट करता है। ये एक बहुत फनी एनिमेटेड मूवी है जो आप लोगों को जरूर पसंद आएगी, जिसे IMDb पे 7.1 की रेटिंग है। नंबर 2, ब्लेड। ये 1998 में आई मार्वल की एक्शन फैंटेसी वैम्पायर मूवी है, जिसके लीड में वीजली स्नाइप्स है। ये मूवी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन मार्वल ने अपनी MCU की ब्लेड मूवी को अनाउंस कर दिया है, जिसमें महर्षाला अली ब्लेड के कैरेक्टर को प्ले करने वाले हैं। 1998 की ब्लेड मूवी में दिखाया है कि ब्लेड एक आधा मॉर्टल ह्यूमन और आधा वैम्पायर होता है। वो एक वैम्पायर हंटर बनता है ह्यूमन बींग्स को वैम्पायर से बचाने के लिए, जो वैम्पायर्स दुनिया पे कब्जा करना चाहते हैं ह्यूमंस को कंट्रोल करके। ये एक एक्शन सुपर हीरो मूवी है, इसके एक्शन बहुत खतरनाक है और इसमें जो कुछ सीन्स दिखाए हैं वो आइकॉनिक है, जो फैंस को बहुत पसंद आए थे। इसके अब तक 3 पार्ट आ चुके हैं, जिसमें 1998 की ब्लेड, 2002 की ब्लेड 2 और 2004 की ब्लेड ट्रिनिटी। इन मूवीज को आप लोगों को एक बार जरूर देखना चाहिए जो आप लोगों को पसंद आएगी, और ब्लेड को IMDb पे 7.1 की रेटिंग है। नंबर 1, लेट द राइट वन इन। 2008 में आई ये एक हॉरर रोमांस वैम्पायर मूवी है। इसकी स्टोरी जो मूवी मैंने नंबर 4 पे बताई थी लेट मी इन, इसके जैसी ही है, क्योंकि इसी मूवी का वो रीमेक है जिसे मैट रीव्स ने बनाया है। अगर आप लोगों को ज्यादा नेचुरल और ज्यादा स्पिरिचुअल मूवी देखना है तो लेट द राइट वन इन ये मूवी आपके लिए ही है। इन दोनों की स्टोरी तो सेम ही है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। इस मूवी में एक ऑस्कर नाम का 12 ईयर का सेंसिटिव लड़का है जिसकी हमेशा भूली होती है और वो अपनी मदर के साथ सबर्बन स्वीडन में रहता है, जहाँ वो अपनी नेबर एली से मिलता है जो एक मिस्टीरियस और मूडी लड़की है। उन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप होती है और एक अच्छा क्लोज बॉन्ड भी बनता है। लेकिन ऑस्कर को पता चलता है कि एली कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं है और लोकल में जो मर्डर्स हुए हैं उसमें इसका कुछ ना कुछ हाथ है। ये बहुत अच्छी स्वीडिश फिल्म है। लेट मी इन और लेट द राइट वन इन ये दोनों ही अच्छी मूवी है,
अब इनमें से कौन सी मूवी देखना है ये आपके टेस्ट के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि एक इसमें स्पिरिचुअल ड्रामा है तो एक बहुत ज्यादा रियलिस्टिक तरीके से दिखाई गई है। अब इनमें से कौन सी देखना है या फिर दोनों ही देख लो। लेट द राइट वन इन इस मूवी को IMDb पे 7.9 की रेटिंग है। तो ये थी मेरी वैम्पायर्स और ड्रैकुला से रिलेटेड मूवीज की लिस्ट। तो मुझे कमेंट में बताइए कि इनमें से कौन सी मूवी आपने देखी है या फिर अभी देखने वाले हैं। सारी ही अच्छी मूवी है, एक बार जरूर देखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि आगे जो भी वीडियोज लाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलता हुआ ऐसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।